कि 2021 से ये मामला चल रहा है, तो ये केस कब हुआ, क्यों हुआ और अब है क्या, अब तक ये पहुंचा कहां पर है? देखिए, ये बेसिकली इशू ये था कि मुख्तलिफ ममालिक थे, जनूबी अफ्रीका, डेनमार्क, इंग्लैंड और जापान और दीगर ममालिक में उर्दू में और उन मुल्कों की जबानों में ये तर्जमा करके भेजा जा रहा था कुरान पाक का। अच्छा, ये तर्जमा जो था ये गलत था। यहां पर पाकिस्तान से ये तर्जमा छप रहा था, पाकिस्तान से ये तर्जमा अपलोड हो रहा था और उन ममालिक के जो मुसलमान थे उनको ये तर्जमा दिया जा रहा था। अच्छा, जो इसको करेक्ट तर्जमा समझकर पढ़ रहे थे, ठीक है, और इसको कुरान पाक समझ कर रहे थे। अब मिसाल के तौर पे आपने स्क्रीन पे ये इमेज जो लगाया, सूरह बकरा का पहला चंद आयात है, वहाँ पे एक फिक्रा है, आयत का हिस्सा है, वबिल आखिरती हम यकीनून, बिल्कुल हम आखिरत पर यकीन रखते हैं। हाँ। अब वहाँ तर्जमा ये हुआ है कि आइंदा आने वाली मौत बातों पर यकीन रखते हैं। ये मौत बातें कौन सी हैं? अब जब इसकी तहकीक की गई तो पता चला ये चनाब नगर में छप रहा है। चनाब नगर में जी, ठीक, चनोट के अंदर बड़ा मशहूर जगह है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ ये 2013-14 से यूनिटी से रबुआ उसका दूसरा नाम है, वहाँ पर ये छप रहे थे। वहाँ 2013-14 से ये रिपोर्ट्स आ रही थी, हमने दरखास्तें दी, वजीर आजम को दरखास्तें दी, ह्यूमन राइट सेल जो सुप्रीम कोर्ट का है वहाँ दरखास्तें दी, हर उस जगह पर दरखास्तें दी गई जहाँ पर कोई असर नहीं। पर ये जो छप रहे थे उसके बाद ये बाहर की दुनिया में से बाहर की दुनिया में जा रहे थे, पाकिस्तान में भी जा रहे थे, पूरी दुनिया में फैल रहे थे ये, और इनकी जो तबाहत थी वो बकिया तबाहत से ज्यादा स्पीड से थी। अच्छा, आखिर में सुप्रीम कोर्ट और दीगर वजीर आजम हाउस से ये ऑर्डर गए, इस पे एक कमेटी बनी, औकाफ के मिनिस्टर ने इसको होल्ड किया, उसमें ये चीजें सामने लाए, हमने वो सारे नुस्खे उनको दिए, लिस्टें दी कि ये वेबसाइट्स हैं, ये कुरान पाक के नुस्खे हैं, ये कुतुब खाने हैं जहां से ये निकल रही हैं, ठीक है। वहां पर उन्होंने हमारी बात को तस्लीम किया और उन्होंने इस पे एक कमेटी बना दी कि ये जाके उन तबाद खानों पे जाके खुद विजिट करेंगे, ठीक है। उन्होंने ये चनाब नगर की इंतजामिया से इजाजत ली तो उन्होंने इजाजत नहीं दी, यानी कुरान बोर्ड को एक इलाके की इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी कि आप आकर विजिट कर सकते हैं। और ये हुकूमत का इदारा है, ये हुकूमत का इदारा है, सूबाई इदारा है, ठीक है, सही है। उसके बाद फिर हमें ये हुआ कि जब इनकार हो गया तो हमने 2018 तक इसको दरखास्तों में चलते रहे, आखिर में हमने पिटीशन डालनी शुरू कर दी अदालत में, ठीक है। ये पिटीशन डाली गई, इसमें जो जस्टिस साहब थे उन्होंने तमाम कम्युनिटी को सुना, अहमदिया कम्युनिटी को भी सुना, और वहां अहमदिया कम्युनिटी ने ये क्लेम कर दिया कि ये बेसिकली हमारे प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं है। अच्छा, हम छाप ही नहीं रहे ऐसा कुछ भी, ठीक है। इस पर हमने सारे नुस्खे दिए, फैसला हो गया, फैसले से दूसरे दिन बाद यही नुस्खे वहां मदरसतुल हिफ्ज़ है, जो अहमदिया कम्युनिटी का उनका सरकारी मदरसा समझ लें, वहां पर मौजूद थे, वहां पर ये तकसीम किए गए नुस्खे। तो अदालत ने फैसला क्या दिया था? अदालत ने तो फैसला दिया ये जहां जहां है खत्म कर दें इनको, प्रिंटिंग को रोके, नुस्खों को रोके, वेबसाइटों को रोके, ठीक है, चले अगर कोई ये नहीं मान रहा कि ये इससे मेरा ताल्लुक है, लेकिन रोके, ठीक है, सही। जब ये मामला हुए तो वहां पे नुस्खे तकसीम हुए, हमने फिर वहां की इंतजामिया को बताया गया कि ये नुस्खे कल तकसीम होंगे यहाँ पे, इंतजामिया ने कहा कि जी ये नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये नुस्खे तकसीम हुए, हमने दरखास्तें दी कि जी अब FIR काटें, अब तो जुर्म हो गया, उसके बावजूद कोई FIR दर्ज नहीं होती। अच्छा, फिर एक JIT बनती है। अच्छा, उस JIT में DPO चिनोट साहब उसको हेड करते हैं और हर इदारे का जो मेंबर है उसका हिस्सा पार्ट होता है, उसके बावजूद वो रिपोर्ट ये आती है कि हम झूठे हैं वो सच्चे हैं, आप हम दरखास्त गुजार झूठे। रिपोर्ट किसने दी? ये JIT की रिपोर्ट, लेकिन कायनात का एक सिलसिला अलग से चल रहा है। अगले रोज FIA एक आदमी को गिरफ्तार कर लेती है उसी कम्युनिटी के इसी एलिगेशन में। ओके, उसका जब मोबाइल से फॉरेंसिक होती है FIA की, अब FIA मेरा इदारा नहीं है, हुकूमत का है, FIA की जब फॉरेंसिक हुई तो पूरी लिस्ट निकल आई कि कौन कौन छाप रहा है, कहाँ कहाँ छाप रहा है, इसको तैयार कौन कर रहा है, इसकी कॉस्ट कौन पे कर रहा है, ये जा कहाँ पे रहे हैं, किन किन वेबसाइटों से ये अपलोड हो रहे हैं। अच्छा, अब हम फिर FIR उसमें आ गए दरखास्त में। अब जैसे ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने लगी तो मैं ओपनली एक नाम लेता हूँ, शाहिद जावेद DIG साहब थे उस टाइम पे, उन्होंने अपना असर रसूख करवा के इस इन्वेस्टिगेशन को सप्रेस कर दिया, रुकवा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद ये लेकर जाते रहे हम, और
हमें वहाँ चिनोट से भी शिकायतें आई कि यहाँ पे टीमें चल रही हैं कि वो कहते हैं पुराना तर्जमा दे दे, पुराना कुरान पाक दे दे, नया ले ले। अच्छा, लोगों के घरों में जाके फ्री वो दे रहे थे, जब जाके चेक किया तो वो फ्री वाला था, गलत तर्जमे वाला, गलत आयात वाला। हमने दोबारा पिटीशन दायर की, लाहौर हाई कोर्ट ने उस पिटीशन पे ऑर्डर किया कि ये तमाम के तमाम हो रहे हैं काम, इनको तंबी की, कुरान बोर्ड को भी हर उसको तंबी की गई और इस सारे मटेरियल को रोकने के ऑर्डर किए गए। इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुई, दो मरतबा वज़ीर आला पंजाब को बुला लिया गया, जो कि हैं उस वक्त के सही है। उसके बाद अब दोबारा कंप्लायंस के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के तलब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आला के तलब कि ये क्या चीज है। अब आपका देखें, कंप्लायंस रिपोर्ट देनी थी इन्होंने, सारे नुस्खे जो हैं वो कब्जे में लेने हैं, सब कुछ वो प्रिंटिंग प्रेस को रोकना है। करेगा कौन इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन, कौन कराएगा? क्योंकि अदालत का हुक्म है तो वो तो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में हो जाएगा मामला। अगर आप कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट लगी हुई है, अब देखे अमल हुकूमत ने करना है। मेरा मुल्क के अंदर अमन भी हुकूमत ने कायम करना है। हर वो काम मैं करूँ इलीगल या कोई और करे, उसको गवर्नमेंट ने रोकना है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ये दीन का काम है। अगर हम पहले लेवल पे जाते हैं तो दीन का नाम इस्तेमाल किया जाता है वोट लेने के लिए, जज्बात भड़काने के लिए, मेरा खून लेने के लिए, फ्री के खिदमतगार लेने के लिए। लेकिन काम क्या करते हैं यही सियासतदान, जो बाहर आप और मैं समझते हैं क्या क्या नारे हैं इनके, क्या क्या स्लोगन हैं, और 2021 में कौन हुक्मरान थे वो भी सबको पता है।